इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। पूर्व जिला पंचायत के सदस्य कांग्रेस नेता कमलेन सिंह कमलू ने कहा कि खेल से खेल भावना भर ही नहीं बढ़ती बल्कि आपसी भेदभाव ही दूर होते हैं। खेल तो खेल ही होता है किंतु इसे हर जगह राजनीतिक चश्मा पहनकर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि रामपुर विधायक विक्रम सिंह के दबाव में अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए नगर पंचायत ने सार्वजनिक स्टेडियम देने की अनुमति नहीं दी। इससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं प्रशासन भी सत्ता पक्ष के दबाव में है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता कमलू ने कहा कि विधायक ट्रॉफी करानी हो तो जिले के सभी स्टेडियम खोल दिए जाते हैं और साफ सफाई जैसी अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी शासकीय मशीनरी के सिर पर मढ़ दी जाती है, किंतु देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर शहादत देने वाले शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी की स्मृति पर कराए गए टूर्नामेंट में राजनीति आड़े आ गई, जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि भाजपा विधायक विक्रम सिंह की सोच कितनी सीमित है। उन्होंने कहा कि शहीदों के अंतिम संस्कार के समय आगे आगे रहने वाले भाजपा के नेता उस समय तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं किंतु समय गुजरने के साथ अपनी ही घोषणा भूल जाते हैं। कमलू ने इस बात पर दुर्भाग्य जताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी की प्रतिमा का मिलान उनके चेहरे से नहीं किया गया, जिसके कारण अनावरण जैसा महत्वपूर्ण कार्य अटका हुआ है, जबकि प्रतिमा का अनावरण 5 अक्टूबर 2022 को होना तय हुआ था। ठीक इसी तरीके से शहीद के नाम प्रवेश द्वार बनाए जाने की घोषणा की गई थी, जो आज तक पूरी होना तो दूर, उसकी नींव तक नहीं खोदी गई। कांग्रेस नेता कमलू ने रामपुर बघेलान विधायक विक्रम सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने शहीद के घर तक नाली बनाए जाने की घोषणा की थी जो आज तक नहीं बन पाई। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि जब सपना चौधरी का डांस रात के समय स्टेडियम में हो सकता है तो शहीद के नाम से नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन क्यों नहीं हो सकता। इस मामले में कमलू ने कलेक्टर महोदय से मांग की है कि वे स्वयं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर पंचायत सीएमओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक के शुक्ला ने रामपुर बघेलान विधायक एवं नगर पंचायत रामपुर के सीएमओ की हिटलरशाही बताई। युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव विक्रांत त्रिपाठी, युवक कांग्रेस के जिला सचिव निखिल तिवारी, जिला सचिव आशुतोष सिंह, किसान सभा के संयोजक शिवराम सिंह, तहसील इकाई रामपुर, विधानसभा के अध्यक्ष राम राज सिंह इस पत्रकार वार्ता में कमलेन सिंह कमलू के साथ उपस्थित रहे। रामपुर बघेलान क्षेत्र में शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी जो पड़िया ग्राम के थे, रहने वाले थे और वो शहीद हो गए, और शहीद के दिन इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी आए हुए थे और उन्होंने ये घोषणा की थी कि शहीद के नाम से गेट और शहीद के मूर्ति का अनावरण करेंगे हम। आज तक पड़िया गांव में ना तो शहीद की मूर्ति का अनावरण हुआ है और ना ही वहाँ पर शहीद के नाम से गेट बनाया गया। उस दिन रामपुर बघेलान के भाजपा के विधायक विक्रम सिंह ने भी घोषणा किया था कि हम शहीद के घर में घर की नाली का निर्माण कराएंगे और आज दिनांक तक ना तो गेट बना, ना ही मूर्ति का अनावरण हुआ और ना ही आपके नाली बनी, जबकि शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी पुलवामा में शहीद हुए थे और उस दिन पूरा देश खड़ा था, और जब उस दिन के बाद कोई वहाँ ना तो जनप्रतिनिधि गया और ना ही कोई प्रशासन गया। अभी बीच में रामपुर बघेलान के नौजवानों ने, खेल प्रेमियों ने तय किया है कि शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी के नाम से एक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जाए, और नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत करने के बाद मैंने कहा कि नगर पंचायत और एसडीएम और टीआई से परमिशन ले लिया जाए। नगर पंचायत में आवेदन करवाया और सीएमओ ने कहा कि मैं परमिशन दे दूँगा, मैंने फ़ोन से बात की। जब वहाँ पर आवेदन किया गया, आवेदन करने के बाद 3-4 दिन बाद रामपुर बघेलान के भाजपा के विधायक विक्रम सिंह के कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि नगर पंचायत के द्वारा लिख के दिया गया कि हम अनुमति नहीं दे सकते खेलने के लिए। मेरा सवाल ये है कि एक शहीद उसी विधानसभा क्षेत्र का जो देश के लिए कुर्बान हुआ और उसके नाम से टूर्नामेंट हो रहा और स्टेडियम खेल के लिए ही बना हुआ बच्चों के लिए और उनकी अनुमति नहीं दी गई। विगत कुछ दिन पहले वहाँ उसी स्टेडियम में कवि सम्मेलन हुआ और सपना चौधरी का नाइट डांस भी हुआ, तो डांस के लिए स्टेडियम है कि बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम है? इस बात के लिए रामपुर की धरती में विरोध, नौजवानों को विरोध है कि शहीद का ये अपमान है
उनके नाम से अनुमत स्टेडियम नहीं दिया गया है। इस बात के लिए पूरा रामपुर की धरती, वहाँ के लोग इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि आने वाले समय में ताकि शहीद का अपमान न हो, इसके लिए सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और निलंबन की कार्रवाई हो। हम सब लोगों ने भी संयुक्त दल, तमाम दल के दो लोग रामपुर वाघेला में बैठक करके और एसडीएम को एक आवेदन किया है कि सीमो और जो भी इससे कथित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसका समय हमने एक सप्ताह का दिया है।